रानी चिन्ना देवी, आप उठिए ना। आप इतनी निद्रा में क्यों हैं? महारानी चिन्ना देवी, आप जागिए और देखिए हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। मूली और बैंगन का शरबत काली मिर्च डालकर। देखिए, पीजिए। ईश्वर, छोटी महारानी, ये कैसी दुर्गंध है? दुर्गंध कहाँ, यहाँ तो सुगंध ही सुगंध है। हमारे मूली और बैंगन के बनाए शरबत की ऊपर से काली मिर्च डाल के। लीजिए, पीजिए शरबत। हम नहीं नहीं छोटी महारानी, हम कैसे पी सकते हैं? बाद में पीते, बाद में पीते। अच्छा, तो याद से आप पी लीजिएगा। हाँ, अवश्य। लेकिन आप ये बताइए, आप निद्रा में इतनी लीन क्यों थी? वो छोटी महारानी, हम जब से वेंगड़ू स्वामी जी की कक्ष से आए हैं, तब से हमारे नेत्र भारी भारी हो रहे हैं। बार बार नींद के झोंके आ रहे हैं हमें। परंतु आप ये सब छोड़िए और ये बताइए कि महाराज के विषय में कोई सूचना प्राप्त हुई? नहीं, किंतु हमारे सैनिक ना महाराज को चारों दिशाओं में ढूंढ रहे हैं। हमारा मन तो बड़ा चिंतित हो रहा है महारानी चिन्ना देवी, हमें बड़ा भय लग रहा है, कहीं हमारे महाराज को। नहीं नहीं छोटी महारानी, ऐसा कुछ मत बोलिए, महाराज को हमारी आयु भी लग जाए। पता नहीं महाराज कहाँ होंगे, कैसे होंगे, किस हाल में होंगे। मैं बताता हूँ, प्रणाम महारानी। प्रणाम। प्रणाम। आप दोनों यहाँ? महाराज कहाँ हैं ये हमें ज्ञात है, क्योंकि हम दोनों ने ही महाराज का अपहरण किया है ना। हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। गुरुवर, अब स्वीकार कर लीजिए कि हम ही ने किया है, अब हमारे बचने की कोई आशा नहीं बची है। अरे बस कीजिए और शीघ्र बताइए कि महाराज कहाँ हैं। वही बताने आए हैं महारानी, किंतु एकांत में। आप दोनों तनिक भी चिंतित ना हो, देखिए हम दोनों के हाथ बंधे हैं, सैनिक चाहे तो बाहर प्रतीक्षा कर सकते हैं। हम दोनों, आप दोनों को कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकते। तो बताइए कहाँ है हमारे महाराज? ये आप हमसे पूछ रही हैं महारानी? हम दोनों से, जिनके लिए महाराज ईश्वर के स्वरूप हैं, जिन्होंने सदैव महाराज की भक्ति की है, जिनके जीवन का आधार ही महाराज रहे हैं। बस कीजिए ये बातें बनाना और शीघ्र बताइए कि महाराज कहाँ हैं, क्योंकि हमने स्वयं अपने नेत्रों से देखा है आप दोनों को महाराज का अपहरण करते हुए। बड़ी महारानी, आपने वही देखा जो आपको दिखलाया गया, क्योंकि आपके नेत्र किसी के वशीकरण विद्या के अधीन हो चुके हैं महारानी। आपके कहने का अर्थ क्या है? यही कि वेंगड़ू स्वामी मात्र जादूगर ही नहीं, अपितु आकर्षण विद्या और वशीकरण विद्या का ज्ञाता भी है। महारानी, वो वेंगड़ू स्वामी हमारा मित्र अवश्य है, किंतु हमें भी ये ज्ञात नहीं था कि वो इतना चतुर, इतना थोर, इतना पाखंडी, इतना चालाक व्यक्ति है। महारानी, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। एक बार उसने अपनी विद्या से हमारे साथ क्या किया था, हम आपको ये कहना चाह रहे थे। अरे, हमारे पांव का दर्द तो छू मंतर हो गया। पीड़ा भी आपके पांव में है, किंतु वेंगड़ू ने आपके मस्तिष्क में अपने जादू से ऐसा प्रभाव डाला है कि आपको आपकी पीड़ा का एहसास ही नहीं हो रहा है। अर्थात तुम किसी के मस्तिष्क को भी वश में कर सकते हो, किसी के भी मस्तिष्क में कोई भी विचार डाल सकते हो। महारानी, हमें पूर्ण विश्वास है, अवश्य ही जब उसकी और आपकी भेंट हुई तो वहां कोई सर्प नहीं थे, किंतु उसने अपनी विद्या से आपके नेत्रों को सर्प दर्शन करवाए, जिससे आप भयभीत हो गए। महारानी, उसने ऐसा भ्रमजाल फैलाया, ऐसा भ्रमजाल फैलाया कि आपको लगने लगा कि उसने आपके प्राणों की रक्षा की।
महारानी, हमें किंचित मात्र भी आशंका नहीं थी कि वो हमारे पूजनीय महाराज के साथ ऐसा करेगा, हमारे महाराज को गायब कर देगा। और महाराज का अपहरण करके वो दोष भी उसने हम दोनों पर ही मढ़ दिया। क्योंकि वो जानता है कि विजयनगर के मान सम्मान और प्रतिष्ठा के रक्षा का दायित्व हम दोनों पर है, हमारे रहते उसकी योजना सफल नहीं हो सकती थी। आप ही विचार करें महारानी, हमारे महाराज जो अपनी सूझबूझ और दूरदर्शिता के लिए जाने जाते हैं, वो मात्र दो ही भेंट में वेंगड़ु स्वामी को अपना उत्तराधिकारी कैसे बना सकते हैं। विजयनगर का शासन, विजयनगर का राज सिंहासन वो वेंगड़ु स्वामी जैसे जादूगर के हाथों में कैसे सौंप सकते हैं महारानी। महाराज ने मेरे विषय में दरबार में जो कुछ भी कहा, क्या आपको लगता है कि महाराज सचमुच अपने हृदय में मेरे विषय में ऐसे विचार रखते हैं? और गुरुवर, जिन्हें वो अपने पिता तुल्य मानते हैं, यदि महाराज को अपना उत्तराधिकार किसी को देना ही था, किसी को सौंपना ही था, तो वो गुरुवर को सौंपते, वेंगड़ु स्वामी जैसे जादूगर को क्यों? जी महारानी। किंतु महाराज ने भी वही कहा जो उनसे कहलवाया गया, क्योंकि महाराज भी वेंगड़ु स्वामी के वशीभूत के अधीन थे। मित्रों, मैं आज तक आपसे पहेली पे पहेली, पहेली पे पहेली पूछता आया हूँ, और प्रसन्नता की बात तो ये है कि आप भी सदैव पहेलियों का उत्तर देने के लिए तत्पर रहे हैं। तो आज भी तैयार है ना इस पहेली का उत्तर देने के लिए? आज की पहेली है, नरम कुरकुरा नाजुक काया, बिखर जाऊं गर जोर से दबाया, पर जब खाने को हो तैयारी, मुझ बिन अधूरी रोटी तरकारी, आग में तपकर पकता हूँ, गोल गोल चांद सा दिखता हूँ। इस पहेली का उत्तर मैं धारावाहिक के अंत में दूंगा। महारानी, मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूँ कि हमें एक अवसर प्रदान करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम महाराज का पता भी लगा लेंगे और वेंगड़ु स्वामी का सत्य भी उजागर करके रहेंगे। पर यदि मैं ऐसा नहीं कर पाया तो कल का सूर्यास्त मैं नहीं देखूंगा। आप मेरा सर धड़ से अलग करने का आदेश दे सकती हैं। हमने अपने नेत्रों के समक्ष आप दोनों को महाराज का अपहरण करते हुए देखा है। ऐसे में आप दोनों सोच भी कैसे सकते हैं कि हम आपको किसी भी प्रकार का कोई भी अवसर प्रदान करें। आप दोनों को तो कठोर दंड मिलना चाहिए जो हम आप दोनों को दिलवा कर रहेंगे। पंडित रामकृष्ण, किस जन्म का बैर निकाला आपने, किस जन्म का बदला लिया आपने हमसे, आपके कारण हमारी ये दुर्दशा हो रही है। वाह वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे वो आप ही थे ना जो उस वेंगड़ु स्वामी से बड़ी मित्रता निभाने चले थे। आपने हमें चोर कहा तो इतनी मिर्च क्यों लग रही है आपको? संपूर्ण विजयनगर तो आपको अपहरण करता भी कह रहा है। हाँ, अरे तो आपको कौन सा देवता कह रहा है, आरती उतार रहा है आप, आपको भी तो अपहरण करता ही कह रहा है ना संपूर्ण विजयनगर। स्मरण रहे, यदि महारानी ने हमें मृत्यु दंड दिया तो मरणोपरांत हम भूत बनकर आपसे बदला लेंगे। बदला लेंगे? अरे अभी आप कौन से भूत से कम है, अभी भी भूत ही लगते हैं। आपने हमें भूत कहा, छोड़ेंगे नहीं हम आपको। क्या करेंगे, क्या करेंगे? भूत कहीं के? भूत यहाँ नहीं है, भूत वहाँ है। कहाँ है? और तो मैं आपको भूत बना के ही मानूंगा। पंडित रामकृष्ण, तलवार का क्या करेंगे आप? अरे महारानी हमारी रक्षा कीजिए। पंडित रामकृष्ण, महारानी हमारी रक्षा कीजिए, पंडित रामकृष्ण के सर पर भूत सवार हो गया। अरे हमारी रक्षा कीजिए, बचाई, अरे बचाई। महारानी हमारी रक्षा कीजिए, ये पंडित रामकृष्ण के सर पर भूत सवार हो गया। पंडित रामकृष्ण, हमारा खून करने का भूत सवार हो गया, रक्षा कीजिए। अरे नहीं 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 नहीं, 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 नहीं पंडित रामकृष्ण, अरे अरे नहीं।
बहुत मन कराएंगे आपसे बदला लेने के लिए। पंडित रामकृष्णा, ये क्या किया आपने? गुरुवर की हत्या कर दी। ये आप क्या कह रही है महारानी? मैंने किसी की हत्या नहीं की। पंडित रामकृष्ण, आप अपने होश में तो हैं? आपने हमारे सामने गुरुवर की हत्या की है। गुरुवर, आप जीवित हैं? ये कैसा उपहास है? क्षमा करें बड़ी महारानी, ये उपहास नहीं, अभी तो उदाहरण है जो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया, ये बताने के लिए कि नेत्रों द्वारा देखा गया सत्य सदैव संपूर्ण सत्य नहीं होता। आपने गुरुवर के गर्दन पर जो रक्त देखा, वो वास्तव में मेरी उंगली का रक्त था, जो मेरी उंगली से ही बह रहा है। आपने गुरुवर के गर्दन पर वार होते हुए अवश्य देखा महारानी, किंतु तलवार की धार ने मेरी उंगली को रक्त रंजित किया है। सोचिए महारानी, जब बिना किसी भ्रम की स्थिति के आपके नेत्र धोखा खा सकते हैं, तो जब कोई आपके समक्ष भ्रम जाल निर्मित करे, आपको अपनी सम्मोहन विद्या से अपने वश में कर ले और आपके नेत्रों को भ्रम जाल में फंसा कर आपको वो सत्य दिखाए जो सत्य नहीं है, तो भी क्या आपको उस सत्य पर विश्वास नहीं हो जाएगा? अवश्य हो जाएगा, क्योंकि आपको तो यही लगेगा कि आपने जो देखा अपने नेत्रों से ही देखा। ठीक उसी प्रकार वेंगडू स्वामी ने आप दोनों को अपनी सम्मोहन विद्या से अपने वश में करके आप दोनों के समक्ष एक भ्रामक दृश्य प्रस्तुत किया। जी महारानी। कि मैं और गुरुवर महाराज का अपहरण करके उन्हें अपने साथ ले जा रहे हैं, और आप दोनों ने उस दृश्य पर विश्वास कर लिया। महारानी, पंडित रामकृष्ण सत्य कह रहे हैं। ये सत्य है महारानी, वो वेंगडू स्वामी सम्मोहन विद्या में पारंगत है। महारानी, हमें शीघ्र अतिशीघ्र महाराज तक पहुंचना होगा। महाराज के प्राण संकट में हैं, समझने का प्रयास कीजिए महारानी। आपको हमें एक अवसर अवश्य देना ही होगा। हाँ महारानी। मात्र 3 प्रहर दे रहे हैं हम आप दोनों को। यदि तीसरा प्रहर समाप्त होने से पूर्व आप महाराज के विषय में कुछ भी पता नहीं लगा पाए और स्वयं को निर्दोष भी सिद्ध नहीं कर पाए, तो चौथा प्रहर लगते ही हम आप दोनों को मृत्यु दंड देंगे। स्वीकार है महारानी, स्वीकार है। ये इतनी भी कैसी शीघ्रता है? उन्हें सोच विचार कर लीजिए, तत्पश्चात स्वीकार कीजिए। ओ गुरुवर, आप चिंतित ना हो, आपके भूत बनने में अभी काफी समय शेष है। अब मेरी योजना ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि ये योजना तभी सफल होगी जब आप सबका सहयोग इसमें होगा। हाँ सुनाइए। अरे पंडित रामकृष्ण, ये कैसी मूर्खतापूर्ण योजना है आपकी? हाँ पंडित रामकृष्ण, ये कैसे संभव है? पंडित रामकृष्ण, हमें नहीं लगता कि वेंगडू स्वामी आपके इस जाल में फंस पाएंगे। महारानी, गुरुवर, वेंगडू स्वामी की सम्मोहन शक्ति तब तक ही है
जब तक उसके नेत्र सुरक्षित हैं। उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसका शस्त्र उसके नेत्र ही हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है जब उसे लगेगा कि उसके नेत्रों पर कोई संकट आया है तब वो वही करेगा जैसा मैंने कहा है। मुझ पर विश्वास रखे महारानी, मैं महाराज को भी ढूंढूंगा और विजयनगर की उस लोभी वेंगुरु स्वामी से रक्षा भी करूंगा। पंडित रामकृष्ण सत्य कह भी रहे हैं, सत्य कह भी नहीं रहे, ये मरवा न डाले कहीं है। पंडित रामकृष्णा, पंडित रामकृष्णा, आपने यही सैनिक क्यों चुने? क्योंकि ये महारानियों के विश्वास पात्र सैनिक हैं। उनके कहने पर कुछ भी कर सकते हैं, उनके आदेश पर आपका सर भी धड़ से अलग कर सकते हैं। जाओ जगाओ। नए महाराज की जय हो। महाराज उठिए, सूर्य उदय हो चुका है। आपने कहा था कि प्रभात होते ही मुझे जगा देना। चुप। वेंगड़ू जानना चाहता है कि रात्रि के अंधकार में तुम्हें प्रभात का उजाला कैसे दिखाई दे रहा है। क्या कह रहे महाराज, किधर है अंधकार, कहाँ है अंधकार, सूर्य उदय हो चुका है। बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है तुम्हारी बुद्धि, इतना अंधकार है और तुम्हें सूर्य उदय दिखाई दे रहा है। वेंगड़ू तुम्हें चूहा बना देगा। चूहा? अरे मार क्यों रहे हैं? अरे मार नहीं रहे, ये कह रहे हैं कि ये आपके जाल में नहीं फंसने वाला है। गुरुवर, अभी तो जाल का एक हिस्सा फेंका है, अभी दूसरा तो फेंकने दो। अब फेंकिए, जाइए। महाराज की जय हो। सुप्रभात महाराज। और तुम आते खड़े हो गए। अरे तुम्हें आते ही महाराज को बताना चाहिए था ना कि दरबार का समय हो गया है, उन्हें तैयार हो जाना चाहिए। वेंगड़ू तुम दोनों को चेतावनी दे रहा है कि अपनी निरर्थक बातें बंद करो। इतना अंधकार है कि वेंगड़ू को तुम दोनों का मुख भी सही से दिखाई नहीं दे रहा और तुम कह रहे हो कि सूर्य उदय हो गया है। खिड़की के बाहर अंधकार छाया हुआ है और तुम्हें धूप आती दिखाई दे रही है। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज, आपका स्वास्थ्य तो उचित है ना? सूर्य अपनी पूर्ण लालिमा पर है, धूप इतनी तीव्र है कि दो क्षण धूप में खड़े रहना भी संभव नहीं, और आप कह रहे हैं कि आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कहीं आपकी नेत्रों में तो कुछ नहीं हो गया महाराज? चुप। वेंगड़ू के नेत्र बिल्कुल ठीक है महाराज, अब आप ही देख लीजिए। मैं ही नहीं, इसने भी यही कहा है, सूर्योदय हो चुका है। वेंगड़ू से खेल मत खेलो तुम दोनों। यदि सूर्योदय हो चुका होता तो पक्षी बोल रहे होते, किंतु यहां तो कोई पक्षी नहीं बोल रहा है। पक्षी भी बोल रहे हैं महाराज, आप तनिक खिड़की के समीप आ जाइए, आपको पक्षियों की चहचहाहट भी सुनाई देगी। हम्म।
ये तो काग का स्वर है, बाकी कोई पक्षी क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब इसे क्या बताऊं, क्या युक्ति लगाऊं जिसे इसको विश्वास हो जाए कि ये रात्रि नहीं दिवस है।